ईश्वर सिंह जी पहुंचे, क्षमा करें, ईश्वर सिंह जी पहुंचे और उनके साथ जो जन वाले व्यक्ति पहुंचे हैं उन सभी का नगुरा की पालन धरा पर पहुंच व्यवस्था बनाए रखे। ये गिलास उठाए भाई, खड़े हो, सभी खड़े हो,
हमारी क्षमा, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने दिल्ली से 1.5 लाख रुपए ये धंधा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे दानी सज्जनों का, गो भक्तों का। भाई गाना बजाना तो चलता रहे, कृष्ण गौशाला का जो कार्यक्रम है उसके जो मुख्य अतिथि जी हैं और जो और आज की इस कार्यक्रम में जितने भी मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण और विभिन्न आसपास के गांव से जो बुजुर्ग, जो भाई, जो बच्चे, प्यारे बच्चे यहां उपस्थित हैं और साथ ही साथ जो यहाँ भजन मंडली के रूप में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हमारे साथी
सबसे पहले मैं आप सभी का आज इस कृष्ण गौशाला की पावन पवित्र भूमि पर गांव नगुरा में जो ये कार्यक्रम मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, आप सभी को मैं मकर संक्रांति के इस उपलक्ष्य से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परम पिता परमात्मा से ये मंगल कामना करता हूं कि यहाँ पर जो ये इतने अच्छे ढंग से इस गौशाला का जो स्थापना यहाँ पर की है और दिन प्रतिदिन लोगों का प्यार और स्नेह और सहयोग लगातार यहाँ पर मिल रहा है, इसके लिए जो यहाँ की प्रबंधक समिति है वो विशेष रूप से बहुत ही बधाई की पात्र है। पुण्य का कार्य एक मिशन के रूप में उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया है, तो मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से या अपने साथियों की तरफ से ये आश्वासन देता हूँ कि प्रत्येक वर्ष इस पावन अवसर पर, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, हम अपनी तरफ से पूरा का पूरा सहयोग और योगदान इस गौशाला को हमेशा देते रहेंगे और इसके साथ ये भी आशा रखूंगा कि हम अपने क्षेत्र में आपसी सहयोग और भाईचारा कायम करके अपने क्षेत्र को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएं और इस प्रकार अगर हम गौ की सेवा पूरे मन से और तन से करेंगे तो परमपिता परमात्मा खुश होकर हमारी उन्नति और प्रगति में हमें आशीर्वाद देंगे। एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज के मुख्य अतिथि श्री बलराम कटवाल जी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद वीरेंद्र ढिल्लो जी का। अब हमारे बीच में जिले सिंह जी जमुरा से, जिले सिंह स्लोक टूडिया गांव नगुरा से अक्षमा करें पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां बजा दे बूढ़े खतर है। और ये तो देखिए 75 मन टूडी और 500 रुपए और साथ में गौशाला के निमित्त ना पला खोल ली बापू ने बोला बापू रे डटियारो तू तो बैठा मन और बिठा होगा अपने वर्गा बना ले तो ससुराल की तैयारी ना है धोकर बाबू धो रहा आया। बोला बाबू कि मैं पीछे देते ससुराल जाना है। ससुराल में हम कदे गए नहीं ये बेचारे ना होली लोग ससुराल की खेती हो लिया भाड़ा मिला ही नहीं जिबर ससुराल लोवा आली नहीं दिमाग में यो हो कि मैं ले जाना भी था बड़का खतर तुम तो बटे हो फल फ्रूट है ध्यान मागी एक मुड़िया की छोटी ही कैरी लाग रही थी बाहरी अपना सपा ले रहा था और नेड़े लाग लिया उस कैरी के धरण धरण पानी आ रहा था और फट मारी आंगो देखे वो भी था जिसने मोड़ी बोर की इष्टी तो ठान दे रुटी आन दे आगा गए बेद और पाचा पाचा खड़ा रो पुनसा है सारी ले गया खड़ा रो पुनसा है सारी ले गया तेरी इसी तीसी करूंगा फलानी करूंगा और जगड़ी करूंगा इतनी बेचारे ने अगला का पढ़ना औखा हो गया ले मरका मुड़िया ने ले बढ़िया और पाचा पाचा हो जानने फेर ला गया कह पुनसा नारा बढ़िया फिर तो रह बढ़िया सारी मुड़ी ले गया और इसका ससुराल ने बोला कोई बात नहीं भाई इज्जत बेचती सबकी एक है यो अपना बटे उस है और कोई बात नहीं के कर दिया बिना करके दिया तो सारी ये मुड़ी ले आया और मैं तो भाई पंचायत करूंगा ने बोला भाई यहाँ हाथ जोड़े तेरी इज्जत में मेरी इज्जत में के फर्क है तुम पंचायत ना करा उरे इन निबड़ ले ने बोला निबड़ लिया भाई एक काम कर ले मेरा दंड दे दे तुम 500 रुपये दे दे 500 रुपये दे के वो तो नबेड़ दिया और सर मिट्टी भी होगी वह बेचती में तो के कमी उसका जाए पाचे 10-15 मिनट पा
से बोलिया बोलिया जी एक काम करियो मैं तो लेने तीसरे दिन आ जाऊंगा लेता ही नहीं। टीका सुसरा ने बोला बेटा आज तो चाहे तो 15 दिन मैं लेने फिर इतना महंगा फ्रूट ना ले। मकर राशि में आता है सूर्य जय भी बताना पहले दो बार 51
धन्यवाद अरब। अब हम फिर तो सोने सोना है। स्टेज का मैं परिचय देता हूँ कि मैं भाई पे दावा ठोक सकता हूँ कि मेरा साकी भाई है और बलजीतियों से भी लाकर ढूंढा था। सेवा में लगे रहे हैं, बहुत ज्यादा कर्मठ है, श्रमदान, अपने स्टूडेंटों के साथ बहुत तरह उनके साथ कार्ड में उपस्थित विशिष्ट अतिथि भाई प्रकाश बोतवाड़ा, राजवीर निठारी, सुभाष बदाना, भाई जयवीर बदाना, जयदेव बरक नगुरा वाले दिल्ली, सुरेश लाल नगुरा वाले गो सेवक दिल्ली, श्री रोशन लाल गर्ग जी नगुरा वाले गौ सेवक दिल्ली, श्री सुबह सिंह ढिलो गौ सेवक ढोड़ा वाले, स्वर्गीय सोहन लाल जी एवं कलावती जी का समस्त परिवार दिल्ली, सुरेश शुक्ल जी गौ सेवा सेवक नगूरा, वीरेंद्र ढिलो जी गौ सेवक ढोड़ा वाले, ईश्वर सिंह जी तंवर गौ सेवक ठेकेदार एरिका स्कूल लोकल कमेटी नगूरा, अशोक बंसल गौशाला कैथा, पंडित धन्ना राम जी गौ सेवक देवण वाले,
कुलदीप बराड़ जी गौ सेवक बराड़ खेड़ा, बलराज शर्मा जी गौ सेवक जीवनपुर वाले, देवेंद्र अत्री जी गौ सेवक कहसून वाले, इलो प्रवक्ता नगर पालिका मुकेश के, वो हमारे लाडले बेटे धर्मेंद्र पहलवान जी, धर्मेंद्र दलाल है जखुदा से, जीन में धर्मेंद्र पहलवान से जाने जाते हैं, इनके साथ भाई बलजीत पोंगरी जी, और सबसे सम्मानित मेरी साथ जो जज्जर से जो सारे पहलवान साथी आए हैं उन सबका यहाँ स्वागत। बगराज नगुरा जी, शमशेर नगुरा जी, पंडित कृष्ण जी, ये जो कार्ड है मैंने इसमें ये देखा, इसमें तो लिखा हुआ है जो यहाँ से पर्चियों से अनाउंसमेंट लगातार चल रही थी, मैं ये कहता हूँ आज के सभी दानवीर जिनकी अनाउंसमेंट हुई, जिन्होंने आर्थिक तौर से 51,000 रुपए, 11,000 रुपए, 1100 रुपए, 100 रुपए या 1 रुपया, उसके साथ शरीर का जो श्रमदान गौशाला को देते हैं, मैं हर गैर सेवक को अपनी तरफ से सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मेरे आज के इस कार्यक्रम में श्री कृष्ण गौशाला जी में जो कार्यक्रम चल रहा है, आप सबका मनोरंजन करने के लिए आए हुए कलाकार वेद प्रकाश अलीपुरिया जी, रमेश कलावड़िया जी, बिल्लू शर्मा जी उत्तर प्रदेश, जो का आपका लगातार का मनोरंजन कर रहे हैं। एक ये रमेश कलावड़िया तो मेरे याद आ गया, ये वो सतबीर एक अगवानपुरिया का कंपटीशन था नेहरू स्टेडियम जींद में बहुत पहले, जब राजकुमार डीसी थे, ये शायद वही है। यहाँ पर विशेष आमंत्रित हमारी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत नगुरा, डोड़ा, सामदो, पिठाना, अरेवा, गोया, दिल्लोवाड़ा, जीवनपुर, कंडेला, बोतावाड़ा, बिरसाना, मोहनगढ़ छापड़ा, भोसला, कुचराना, खुर्द कुचराना कला, कहसुन, मादरा नंदकरण, करसिंधु, राजचंदवाड़ा, शाहपुर के प्रांगण में सभी गो भगत अलग अलग रूप में सेवा करने वाले सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। मैं एक बात आपके सामने रखता हूं, जब इस भूमि पर 10 अक्टूबर 2007 को नींव रखी गई थी तो उसकी शुरुआत के लिए यहां सिर्फ कोरे कलर के बीच में एक ट्रक ईंट का आगे नींव रखी गई थी। उसमें जब मैं जिला का वह अध्यक्ष था, आदरणीय महाराज जी चरणों वाले कमेटी के लोग गए थे मेरे को रखने के लिए, नींव के लिए कहा था, मैंने उनसे प्रार्थना की थी भी गांव में बड़े बुजुर्ग से रखवाओ, जो गांव में सबसे बड़ी उम्र का बुजुर्ग है, तो वो उनके साथ साथ बड़े बुजुर्ग के साथ साथ मेरे पिताजी स्वर्गीय महिपाल मास्टर जी को भी ले आए थे। मेरे को वो दिन याद है जब यहाँ से एक छोटे दान से 1.25 लाख रुपए के लिहाज से सभी उस वक्त के 200-250 जो साथी गांव या गांव से यहां पर एकत्रित थे, 36 बरादरी के साथी थे, सब ने उस ईंट पर अपना हाथ लगाया था। हर आदमी का सहयोग, हर बरादरी का सहयोग इस गौशाला को है। गौशालाएं किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं होती, गौशालाएं पूरे समाज की होती है। हर राजनीतिक दल के हर साथी का यहाँ पे स्वागत है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो। मैं अपनी जो महाराज जी ने अपना दबाव, पीरनाथ जी ने जो, तो उस दिन अचानक कार्यक्रम जीन का आया, मैंने अर्ज की बात रखी तो ये जिला कांग्रेस कार्यालय के प्रांगण में थे, तो एक यहाँ बड़े बड़े धुरंधर नेताओं ने चुनाव लड़े हैं, कांग्रेस के भी धुरंधर हैं, इन लोगों के भी धुरंधर हैं, चुनाव चुनाव की जगह उसके बाद जो डेवलपमेंट काम में सरकारें करती है उसमें पार्टी के जो नेता हैं वो उसको मान्यता देते, कहते हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दखल अंदाजी कम हो, तो इस वजह से ये बार बार बात करती रही। तो मैंने वहां कहा गौशाला कोई राजनीति का खाड़ा तो है नहीं,
गौशाला गौएं गौओं की सेवा संपूर्ण भगत। वो दादा कृष्ण से मैंने पूछा अभी 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण जी, उन्होंने भी गौओं की पाली कहने गोपाला कहने अपने अपने लिबास है, गौ को चराया जंगलों में चराया अपने बांसुरी से मधुर बांसुरी से उनका मन मोहा, ये किसी से छुपा नहीं है। गौ माता धरती माता हमारी माता सब जननी के रूप में जब हम जन्म लेके पृथ्वी पर आते हैं तो गौ माता के दूध दही मक्खन घी के सेवन से हमारी सेहत बहुत तंदुरुस्त रहती है। हम अपने अंदर एट द डिस्पोजल ऑफ श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हरियाणा ईयर 2013-14 नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है श्री कृष्ण गौशाला नगूरा रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट जींद। पर्पस फॉर द फंक्शन ग्रांट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट सेट, चिंती के लिए ये पैसा है जिसमें हम अपना फोर्टर सेट या बैठने के जो स्थान है गौओं का या सेट है उसको बनवाएं। फिगर में अमाउंट है इसकी 21 लाख रुपए, वर्ड्स में लिखा हुआ 21 लाख। ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है एसडीएम जीन, पब्लिक शेयर इफ एनी तो नहीं है। रिमार्क्स आर सम स्पेशल कंडीशन अटैच टू द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट स्कीम चीफ मिनिस्टर हरियाणा। इसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नीचे भेजे हैं वो कॉपियां हैं, डिप्टी कमिश्नर जीन एसटीओ सिविल जीन प्रेजिडेंट साहब आए हुए हैं और मंच पर आज के मुख्य अतिथि हमारे बड़े बलराम कटवाल जी और मेरे साथ आए हुए बलजीत जी पोगरी खेड़ी और जितने भी मंच पर बैठे हैं साथी कलाकार जो है जो मनोरंजन कर रहे हैं, मैं इनका यहाँ मेरे को बुलाने पर मान सम्मान करने पर सब लोगों का गांव गुआंढ का बहुत धन्यवाद हूँ। मैं जींद नगर परिषद का चेयरमैन हूँ, मेरे से जींद नगर परिषद में किसी भी भाई को कोई भी काम हो मैं आपके बीच का हूँ। मेरा गांव जाख होता है दलाल गोत्र से हूँ, पिछले 23 साल से आप लोगों के बीच में रहता हूँ। जब मैं यहाँ चेयरमैन बना था बड़ा जोर शोर से एक नारा उठा था कि ये बाहर का है ये रोहतक का है ये झज्जर का है, उस दौरान मैंने यहाँ के लोगों से एक बात कही थी कि मैं आपके बीच का हूँ। मेरे गांव को हट के आदमी हमारी पिछली नाल यहाँ हमारे लगूरे में है और जुलाने के आसपास हमारे गांव है, मैं इनका सदैव आभारी हूँ और आभारी रहूंगा। और मैं खासकर कटवाल साहब के बारे में आप लोगों को बता दूं, जो इनने एक छोटा इशारा किया था वो इनने बहुत बढ़िया इशारा किया था, जो यहाँ जींद शहर में और खासकर उचाणे में जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर बताते हैं हर बार आप लोगों को ठगने का काम करते हैं उनसे सावधान रहो। कटवाल साहब ने आपको 21 लाख रुपए दिए हैं और मैं चाहता हूँ कि आगे ये 33 लाख दे और फिर 51 लाख दे। मैं तो आप लोगों को सिर्फ एक बार बताता हूँ, अपने को उन आदमियों को पहचानो जो आपके बीच में खड़े रहते हैं 24 घंटे आप लोगों के काम आते हैं, उन लोगों को पहचानो जो 5 साल में एक नारा देकर चले जाते हैं चौधरी साहब भी लाएंगे। हमने तो आज तक नहीं मेरा कुर्सिया लोहारे का बच्चा भी पड़ेगी हरकत दो लियाओगे कोई गलती हो तो माफ कर देना। धन्यवाद जय हिंद। क्योंकि आप पप्पू शमशेर सत्यवान कुलदेव बाबा से मिलू और एक ताजी गाड़ी लाकर गौशाला के नाम करा दी जिसकी मेहनत रंग लाई, हर गांव गांव जाकर खुद कर्णधारों को चुना जैसे दालम वाला से नरेश जी से पहुंची चंद्र जी धनकाली से रामफल जी चित्रम से जुड़े सिंह उचाणा मंडी से पुंदनी है सोरी के जनाजन दादा जी वह लाला जिसे बच्ची नाम से जाना जाता है जय भगवान जी, इनके कंधों पर गौशाला का लगभग सारा कार्यभार है। अब मैं नाम लूंगा उन बूटों के धारी खक्कड़ जी रामचूर खक्कड़ जी गुलाब सिंह जी दलाल दलिता मेहता और तेलू सैनी मोदी राम जी। तेलू सैनी के बारे में एक बात है वो गौशाला का पानी फट नहीं पीते, सवेरे आते हैं सारा देर गौशाला में लगे रहते हैं। मोदी राम जी वृद्ध होते हुए गौशाला में आते हैं और गांव सापुर से एक सूत्रा सुनिए आप गांव सापुर से पैदल चलकर आते हैं जी गौओं की सेवा करने के लिए। एक बार इन सभी पार्टी जो बाबा रघुवीरनाथ जी की पार्टी है उनकी पार्टी की तरफ से जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इनके कंधों पर सारी गौशाला का कार्य।
रंग का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सुसाइड पहुंच गया जिसने की मैं चेहरा दे दियो मौका नहीं दूंगा हमारे सोचे वो तोड़े पाकर हमारा बेटा किसे ने पूरी किसे ने क्यों किसे ने पीछे साथ में ठाकी ठोक दी अरे बेटा बस शांत ही सा सुना जाएगा जो कदम ना सुना हो अबर दियो बड़ा तोड़ का बड़ा सुन रखे हैं बड़ा बोल नगर खेले की तड़के सुनाऊंगा एक गांव बटला और रेणुका जी पुलिस सुन रखे हैं छाये ना प्रशाल बना दी ये भाई अलेवा गांव से 50 रुपए से मान सम्मान देते हैं मेरे छोटे भाई बहुत अच्छे कलाकार एक कुंड में मछुआरी पेट में आएगी बिहारी माँ सारा कुंड ठीक से बड़े बेटी और तो ठीक क्या करके बात है बड़े ठीक में भी कोई ना हम देखिए तो ये द्रोप पर के भी चली पड़ी है बड़े दोसे का तब में चली बहुत बढ़िया पड़ी है नाटो आगे बड़े टैक्स का चेक का पन्ना लाती ये बेटे नूर पुनर छुटता हो दसे कर लता मेरा भी नहीं साहब सुप्री डुपरी हो साथी नाम लिया हुआ कई रंग का गाटा तार बिल्लो शर्मा खावेगा और बेच पटा से भरेगा बता दिया मैं बतवा के नहीं दिवे पर कैसे ये नमूना के और राम भगवान के सही राग जी प्रेमी है नहीं न्यूज़ नहीं है एक एक बिना नाम का अपना दुख बैठी थी आपके सामने लोकल आदि से भी कर मेरी धुनी पर मेरी धुनी से आपको पसराम लगा के कोई और मारा जाता बहुत टाइम से बोल मारा जाता देखिए गृहस्थियां पत्रा दाता ने छोटा मोटा राग नहीं बताया और प्रमाण के सहित कदे में सोच रहे हो कोई और वह 12 साल खड़ा है तब ने तो इस जागा नहीं गृहस्थी भी जाती और अंगलियां बिगड़वा दिए ब्राह्मण ने गौड ब्राह्मणों की प्रणाली राजा दक्ष के 13 कन्या थी 13 की 13 गौड ब्राह्मणों को ब्याही गई थी छोटा हो और गृहस्थी ने तो साक्षात भगवान को देखा है कौन था गृहस्थी क्या कहा लड़की
जाडे में जिडाई री
बसी अड्डे और छप्पर नीचे देखे जासे रात बिताई री कोई रोड पे मर जावे कोई मरी नाले में पाई री तेरी दशा देख के गऊ माता तेरी दशा देख के गऊ माता मेरे आंसू आ जा पल भर में पापड़ पत्ते खारी से आज कदे पूजी जाती घर घर में गऊ माता तेरा हाल देख के क्यों किया माँ की त्रिया जिसका हमने दूध रे पिया कर की देवी समझी जाती इब बुला क्यों दिया गौ माता दे ठुकराई के जीने में जिया जिसकी ममता रहा करे थी जिसकी ममता रहा करे थी घर के नारी नर के मैं आज पापड़ पत्ते खारी सकते पूजी जाती घर घर में गौ माता तेरा हाल देख के गंदगी खाने आले सुवर मुर्गे पाले जावे से धन के ललच में फंस के या नारी रीत चलावे से बड़ी पवित्र गौ माता ये उठी रे खड़ी लखावे से भर पेट भी मिलता कोना तड़फ तड़फ मर जावे से गौशाला में मिले आसरा गौशाला में मिले आसरा चाहे घूमो दुनिया भर के मैं आज पापड़ पत्ते खारी से कदे पूजी जाती घर घर में गौ माता तेरा हाल देख के फर्ज निभाइयो रे एक गऊ माता अपने घर में जरूर लियाइयो रे और सहारा को नारा इनका मत नाई बतड़फाइयो रे कृष्ण ढूंढवा की तरिया कौआ ने शीश झुकाइयो रे हिरे रोमियो कह ढाकल आड़ा रोमियो कह ढाकल आड़ा सुरती लाइयो हर के में आज पापड़ पत्ते खारी से कदे पूजी जाती घर घर में गौ माता तेरा हाल देख के कड़वा करके बेची
डेढ़ साल का बच्चा था, डेढ़ साल का बच्चा था, जब नाथ सरोंद गलाया था। उम्र दो बरस की मेरी, जब जुए तले हिलाया था। हड़ जोड़ा और गाड़ी खींची, कोलू तेरा चलाया था। आया कर दिया गौ माता ने, जितना दूध पिलाया था। सूत बैठा तेरी गेल जाडे मठरा करता, और तेरी गेल ना गाम में जड़ा करता, और तेरे अड़की फाड़ी बैरी कोई ऊपर ऊपर नहीं चला करती। कितने डूंगे तेरे अड़की फाड़ी, हर तेरे आगे आगे क्यों कर चला करता, कदे साटा ठान का मौका नहीं दिया। दूसरे नंबर पे क्या कहता बोला, जाडे मतेरी, जाडे मतेरी गेल ठरा, जाडे मतेरी गेल ठरा, और गाम में गेल जड़ा करता। गोडे ढूंढे अड़की फाड़ी, चटकारी गेल चला करता। नहीं कदे भी कल ही मनी, यो कांदा खूब बड़ा करता। जुड़सा बोया बीच मने, तेरे सहसर गुणा भया करता। जुड़सा बोया बीच मने, तेरे सहसर गुणा भया करता। तेरे सरसम गेहूं जवान बाजरा, सरसम गेहूं जवान बाजरा, ओ बोएगी खुरदान मने। आया बुढ़ापा कड़वा करके, मतना किसान मने, इब कंधे में सपना रह रहा, वो बकना करे हैरान मने। आया बुढ़ापा कड़वा करके, सारी जवानी खेत कमाया, होया कदे डामा डोल नहीं। आया बुढ़ापा बेचन लग्या, कोड़ी का मेरा मोल नहीं। तन सारा दर्दी सुना दूंगा, मेरे बेसक मुंह में बोल नहीं। सारा दर्दी सुना दूंगा, मेरे बेसक मुंह में बोल नहीं। तेरा कमाया कमाया हूँ, कभी कुछ मांगा नहीं। आज मरते समय मेरा जज की के मेरी अंत समय नजदीक है, आपसे एक भीख मांगता हूँ।
जहाँ आपने मेरे को भीख दे दी तो मेरी तो मुक्ति है ही है। हो सकता आपका भी स्वर्ग में साझा होगा। मरते समय उस बूढ़े बैल ने अपने मालिक से के भीख मांगी। तेरे ठाण में पैर पसारू, तेरे ठाण में